प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति के कारण भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश में कल कोरोना संक्रमण के 6,600 से अधिक नए मामले मिले। राज्य में भी 9% से ज्यादा हुई पॉजिटिविटी दर। मुख्यमंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने का किया जा रहा है प्रयास। और प्रधानमंत्री आवास योजना से राजनांदगांव में रहने वाले पात्र हितग्राहियों के अपने घर का सपना हुआ साकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा शक्ति देश के विकास में प्रमुख प्रेरक शक्ति है। आज कोच्चि में युवा सम्मेलन युवम 2023 में श्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति में पूरी दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि कभी कमजोर अर्थव्यवस्था माना जाने वाला भारत आज युवा शक्ति के कारण दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज बीजेपी और देश का यूथ एक ही वेवलेंथ और विजन को शेयर करते हैं। हम रिफॉर्म्स लाते हैं और मेरे युवा रिजल्ट ला करके देते हैं। ये सरकार और युवा के बीच एक घनिष्ठ पार्टनरशिप है। भाजपा ने इस दौर को यूथ लेड डेवलपमेंट का युग बना दिया है। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश में रोजगार और स्वरोजगार के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार युवाओं को परमानेंट सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन भी कर रही है। जहां जहां भाजपा की राज्य सरकारें हैं वहां भी नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। लेकिन केरला में जो सरकार है उसका फोकस युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार पर नहीं है। मुझे बताया गया है केरला में ना रोजगार मेलों का आयोजन होता है और ना ही सरकारी भर्तियों पर उतना ध्यान दिया जा रहा है। केरला के युवा राज्य सरकार के इस रवैये को कभी भूल नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। उन्होंने बताया कि विदेश राज्य मंत्री को जल्द ही सूडान भेजा जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे अधिक रोजगार सृजन, नए उद्योग लगाने और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मत्स्य क्षेत्र को बहुत प्राथमिकता दी है और अकेले केरल को 800 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इससे पहले श्री मोदी एक रोड शो में शामिल हुए। वे रोड शो में पैदल चले और हजारों लोगों ने फूल बरसाकर और हाथ हिलाकर उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। देश में पिछले 24 घंटे में 6,660 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 9,213 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। वहीं 63,380 मरीजों का कोविड उपचार चल रहा है और कोविड से ठीक होने की दर 98.67% है। अब तक 220,66,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी दर 9.34% तक पहुंच चुकी है। कल राज्य भर में हुए 5,160 नमूनों की जांच में 482 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें रायपुर जिले में सबसे अधिक 85 नए मामलों की पहचान हुई है। वहीं राजनांदगांव में 40, दुर्ग में 36, कांकेर में 30 और बिलासपुर में 34 नए मामले मिले हैं। कल राज्य के 25 जिलों से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस समय 3,090 सक्रिय मामले हैं। कल कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। चंदखुरी में आयोजित माता कौशल्या महोत्सव के समापन अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना में शामिल सभी स्थलों का विकास किया जा रहा है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ निर्माण कार्य को हाथ में लिया है, जिसमें सबसे पहले शिवरी नारायण, चंदखुरी, कौशल्या माता के धाम और राजिम में राजी लोचन भगवान जहां भी राजे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, उसको विकास करने, सौंदर्यीकरण करने का काम हाथ में लिए हैं। लगातार काम चल रहा है, काम अभी पूरा हुआ नहीं है कि लोगों का आना और खासकर इस मंदिर प्रांगण में शनिवार, रविवार, सोमवार को इतनी भीड़ लगती है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज जिस प्रकार से लेजर शो का उद्घाटन हुआ, बहुत सुंदर चित्रण, और उसी प्रकार से चंदखुरी के विकास में धार्मिक यात्रियों के सुविधा के लिए बहुत सारे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है, हम दूर दूर जाते हैं लेकिन हमारे जो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कुछ है उसको हम लोग अनदेखा कर देते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले विभिन्न मानस मंडलियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने भी संबोधित किया। महोत्सव के अंतिम दिन पद्मश्री कैलाश खेर ने भक्तिमय गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण प्रदर्शनी के साथ ही हथकरघा शिल्प के स्टॉलों का अवलोकन किया। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने की। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 13 शोधार्थियों को पीएचडी और 135 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए। समारोह में पर्यावरण संरक्षण और समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल और पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बाल्ले को मानद उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पोटिया कला में विश्वविद्यालय के नवीन ऑडिटोरियम का निर्माण और नरेंद्र देव वर्मा शोध पीठ की स्थापना करने की घोषणा की। वहीं राज्यपाल ने अपने वर्चुअल भाषण में शिक्षा को सबसे ताकतवर हथियार बताया। राज्यपाल ने कहा कि भविष्य में कई चुनौतियां आएंगी लेकिन शोधार्थियों और छात्र छात्राओं को अपने ज्ञान और कौशल से भविष्य निर्माण के नए अवसर भी मिलेंगे। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. अरुणा पल्टा ने कहा कि विश्वविद्यालय में दीक्षांत के आयोजन की शुरुआत हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में और बेहतर ढंग से समारोह का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय में हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं आज तक कि सभी पदक जो थे वो दानदाताओं के द्वारा दिए गए थे। विश्वविद्यालय ने नगद राशि दी है पदक के बदले में। इससे हमें ये समझ में आता है कि पूरे समाज के साथ विश्वविद्यालय जो है धीरे धीरे जुड़ रहा है और हमारे बच्चे इससे निस्संदेह बहुत अधिक मोटिवेट होंगे, क्योंकि गोल्ड मेडल हासिल करना हर बच्चे का एक सपना होता है और जब ये सपना सच होता है तो निस्संदेह बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आज का ये समारोह
वास्तव में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। पहला दीक्षांत समारोह है, परंपरा डली है यहाँ दीक्षांत समारोह की, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय जब अपने स्वयं के भवन में स्थानांतरित हो जाएगा तो हम इस कार्यक्रम को और बेहतर अंजाम दे पाएंगे। दीक्षांत समारोह को उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए शहरी और दूरस्थ अंचल में शिक्षा के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में किराए के मकानों में रहने वाले 32 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री मोर मकान मोर आवास योजना के तहत मकानों का आवंटन किया गया। मकान आवंटन को लेकर नगर निगम के अभियंता और प्रधानमंत्री आवास के नोडल अधिकारी यूके रामचेके ने बताया कि योजना के तहत 1,570 मकान बने हैं और लॉटरी पद्धति से पात्र हितग्राहियों को मकान का आवंटन किया जा रहा है। लगभग 300 आवेदन आए थे और उसमें सारे पात्र हैं जिन्होंने राशि जमा किए हैं उन पर आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। बाकी लोग जैसे जैसे पैसा देते जाएंगे पात्र हितग्राहियों का नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनको भी ऑप्टेन कर दिया जाएगा, राशि वो लोग जमा कर दिया। इसमें लोन की सुविधा भी दी जा रही है, अगर कोई हितग्राही लोन लेना चाहता है तो संबंधित बैंकों से अपना आवेदन जमा करके लोन ले सकता है और इसका लाभ ले सकते हैं और मकान सस्ते दामों में। वहीं हितग्राही किरण ने योजना के लिए सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इससे उनका अपने मकान का सपना साकार हुआ है। खुशी की बात है, काफी टाइम से किराए के लिए भटकना पड़ रहा था, मकान मालिक लोगों की 10 बातें सुननी पड़ रही थी, है ना, और बहुत मुश्किलों के बाद में हमें प्रधानमंत्री के तहत मोर आवास मोर मकान मिला है। योजना के तहत 2015 से शहरी क्षेत्र में निवासरत और किराए के मकान में रहने वाले ऐसे लोग पात्र माने जाते हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। 26 दिसंबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से किताबों को पढ़ने की आदत को विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किताबों से ज्ञान ही नहीं बढ़ता बल्कि व्यक्तित्व भी संवरता है। आइए देखते हैं उस प्रसारण की कुछ झलकियां। साथियों, किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती है, जीवन को भी गढ़ती है। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी है। ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम ने देश की जनता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और उनमें खुशी और आशावाद की भावना उत्पन्न की है। मन की बात कार्यक्रम के श्रोतागण संबंधी सर्वेक्षण में ये बात उजागर हुई है। यह सर्वेक्षण भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक और प्रसार भारती ने मिलकर किया है। इस सर्वेक्षण का शीर्षक है मन की बात के श्रोताओं की प्रतिक्रिया और भावनाओं का विश्लेषण। आइए देखते हैं इस सर्वे में मिले तथ्यों पर एक रिपोर्ट। सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बड़े सिग्निफिकेंट भी है। देखिये, जब प्रधानमंत्री ने पहला भाषण मतलब पहला मन की बात जब किया अक्टूबर 3, 2014 को, तब आपने देखा होगा हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया कि ठीक है, मन की बात में कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई सरकार का भी ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादातर लोगों के विषय को लेकर है और रेडियो का कितना अभी प्रभाव होगा जब टेलीविजन ही सब कुछ है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसे एक माध्यम चुना जिस माध्यम से डायरेक्टली जो अपने नागरिकों से कनेक्ट करना, और ऐसे मुद्दे हर एपिसोड में ऐसे मुद्दे उन्होंने ले लिया, वो पर्यावरण हो, स्वच्छ भारत हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, पानी की बचावत को लेकर हो या पीने पानी को लेकर हो, गर्मी में कैसे पक्षी और जानवरों को कैसे पानी देना चाहिए, ऐसे कई बातें, इतनी वैरायटी थे उसमें, उसे कभी नहीं लगता था इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या सरकार की कोई मतलब प्रधानमंत्री कोई पर्सनल इस पे है। लेकिन ऐसे बातें थी जिस बातों से लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए। और एक बड़ी चीज रितु जी जो सामने आया है,
कि जो चीज़ जो पब्लिक हमेशा जो जो जन विश्वास उन पर है, मतलब जो मैंडेट उनको बार बार मिला है, उसका कारण और ये मन की बात की जो फाइंडिंग्स में एकदम आप देख सकते हैं कि एकदम कॉमन है, वो क्या है, यही है कि जो पर्सनैलिटी, जो प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ सुनकर जो मन लोगों के मन में जो एक इम्प्रेशन बन रहा है, वही इम्प्रेशन है जब प्रधानमंत्री चुनाव के टाइम हो या कहीं भी जब भी बड़े संबोधित करते हैं, उनमें एक ही पर्सनैलिटी जो वो क्या है, एक ऐसा एक व्यक्ति है हमारे प्रधानमंत्री जो एक निर्णायक और एक स्ट्रॉन्ग लीडर। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी 30 अप्रैल रविवार को 11 बजे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क से प्रसारित होगी। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।